नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्रैवल विद वशिष्ठ के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज है फुकेत में हमारा तीसरा दिन और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फिफी आइलैंड्स का टूर। बेसिकली इस टूर पे कई सारे आइलैंड्स होते हैं जहाँ पे लेके जाते हैं बोट से, साथ में कुछ वाटर एक्टिविटीज़ भी होती है। पूरे दिन का टाइम एक्चुअली लग जाता है इस पूरी एक्टिविटी को करने में। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, यहाँ से हमारे होटल से गाड़ी हम लोग को पिक करेगी और यहाँ से जो है हमारा टूर स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप फुकेत आते हैं तो आप लोगों को भी फिफी आइलैंड्स का टूर करना चाहिए कि नहीं, एंड इन केस अगर डिसाइड करते हैं आप तो कितना चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, किस किस तरह की एक्टिविटीज़ होती है, कहां कहां पे ले जाते हैं पूरे दिन घुमाने के लिए, सारी डिटेल दूंगा। और एंड में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कितना मैंने पे किया इस ट्रिप को बुक करने के लिए। तो वीडियो में बने रहिए आप। दोस्तों ये देख सकते हैं गाड़ी जो है हमारी आ गई है, इसी गाड़ी में जो है हमारा पिकअप होगा और ये हम लोगों को लेके चलेगी मीटअप पॉइंट तक। आगे की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। गाड़ी आप देख सकते हैं एसी वाली गाड़ी आती है, तो आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। देख सकते हैं कितनी कंफर्टेबल सीटिंग है। दोस्तों सुबह के करीब 8 बज चुके हैं और फाइनली हमारा पिकअप हो गया है होटल से। अटोंग एरिया में अगर आप रहते हैं तो आपको फ्री पिकअप मिलता है अगर आप ये टूर्स बुक करते हैं तो। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं और चलेंगे मीटअप पॉइंट पे। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। आधे घंटे के आसपास टाइम लगना चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तब फिफी आइलैंड का टूर हमने किया था और ये जो मीटअप पॉइंट्स होते हैं पाटोंग एरिया से करीब आधे घंटा 45 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पर होते हैं। हमारे पिकअप के बाद 2 पिकअप और थे तो हमें करीब 1 घंटे के आसपास का टाइम लग गया था। अब डिपेंड करता है आप पाटोंग में कहाँ पे ठहरे हैं, किस जगह पे स्टे कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको भी आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम लग सकता है। तो दोस्तों ये है वो जगह जहाँ पे गाड़ियाँ टूरिस्ट को ड्रॉप करती हैं और यहीं से बोट्स अलग अलग ट्रिप्स के लिए निकलती हैं। तो चाहे आप फिफी आइलैंड का टूर कर रहे हो या फिर जेम्स बॉन्ड आइलैंड का ट्रिप हो या कोई और टूर हो, सारी बोट्स इसी जगह से निकलती हैं। तो दोस्तों सुबह के करीब 9 बज चुके हैं और पहुंच गए हम लोग अपने ये मीटअप पॉइंट पे। ये बेसिकली पियर है, यहीं से बोट्स जो है लेके निकलती है टूरिस्ट को। तो यहाँ पे आके जो है सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, आपका जो भी आपने बुकिंग की होती है रिसीप्ट होती है, रिसीप्ट शो करना होता है। बेसिकली होगा ये कि यहाँ पे जो है टूर गाइड जो होगा हम लोग का साइन होगा टूर गाइड, और यहाँ पे ब्रीफिंग होगी, छोटा सा ब्रीफिंग होगा कि पूरे ट्रिप में भाई क्या क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है ये लोग प्लान है आज के ट्रिप के लिए, सारी चीज़ें ब्रीफ करेंगे। और उसके बाद जो है एक एक करके कुछ ग्रुप्स होंगे, वो सारे ग्रुप जो है अलग अलग बोट्स में जहाँ के भी ट्रिप उन लोगों ने बुक किया होगा वो जो है निकल जाएंगे अपने गाइड के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं टूरिस्ट के रिफ्रेशमेंट्स का भी अरेंजमेंट है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना होता। ब्रीफिंग तो हम लोग की हो गई है, लेट्स सी अब कितना टाइम और लगता है यहाँ से निकलने में और उसके बाद आप लोगों को अपडेट करते हैं। Nearly the coral, nearly the Nemo, my friend. You can touch on them. Look like you are mermaid.
दोस्तों पहुंच गए हम लोग अपने पहले स्पॉट पे। इस जगह का नाम है फीफी डॉन आइलैंड। इस यहाँ पे छोटा सा एक आइलैंड है, उसमें जाके मंकीज यहाँ पे होते हैं, बंदर होते हैं, मंकी बीच होते हैं इसको, वहाँ पे जाके लोग फोटोज वगैरह जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पे बोट रुकेगी कुछ टाइम के लिए। बेसिकली देख सकते हैं दोस्तों, छोटी सी जगह है, थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ बीच जैसा है, मंकी बीच इसी को बोलते हैं। अब आई डोंट नो आप लोगों को वीडियो में देख रहा है कि नहीं, छोटा सा बंदर देख रहा है, उसके साथ जो है लोग फोटो खिंचा रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे 10 मिनट हम लोग को मिला है पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए मंकी के साथ। यहाँ पे और भी बहुत सारी बोट्स हैं, और जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, तो हम लोग नहीं उठेंगे यहीं से। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक्जैक्टली ये क्या क्या है। My friend, I've been asking and talking. I saw this one, they will teach you first about 20 minutes, how do you stay underwater? You want to go up, you want to go down, are you okay? You have a problem, they will teach you for everything underwater. So, बीच से करीब हम लोग 10 मिनट जो है बोट लेकर आए यहाँ पे सेंटर में। ये है स्नॉर्कलिंग पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नॉर्कलिंग गियर लगा लिया है, और अब जो है यहाँ से हम लोग थोड़ा सा स्नॉर्कलिंग करेंगे। यहाँ पे आधे घंटे का टाइम है हमारे पास, आप चाहे तो स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं या फिर नॉर्मली आप जो है नीचे समुंदर में जो है नॉर्मल तैर भी सकते हैं। लाइफ जैकेट आपको मिलेगा, तो अगर आपको तैरना नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है। रेडी बजरंगबली रक्षा की जगह सब आदि का हाथ में, जय हनुमान जी, जय बजरंगबली। स्नॉर्कलिंग के अलावा आप चाहे तो यहाँ से स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं। अगर आपको स्कूबा डाइविंग करनी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होती है, बिकॉज स्कूबा जो है आपके पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होता है। बट मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगा यहाँ से स्कूबा डाइविंग करने के लिए, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आप लोगों का एक्सपीरियंस यहाँ पर उतना अच्छा रहेगा। अगर आपको स्कूबा डाइविंग सही में एक्सपीरियंस करना है तो फुकेट में कई सारे बेटर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एक एग्जांपल है ऑसी डाइवर्स का, जहां से हमने स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस किया था लास्ट टाइम जब हम लोग फुकेट में थे, और ट्रस्ट मी हम लोग का एक्सपीरियंस जो है बहुत ही बढ़िया रहा था। दोस्तों दोपहर के करीब 12 बज चुके हैं, और स्नॉर्कलिंग सेशन के बाद हम लोग आए यहाँ पे लंच के लिए। ये एक छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और बहुत सारी बोट्स यहीं पे आके लगती है, और यहीं पे जो है टूरिस्ट को लंच करवाते हैं। एक घंटे का टाइम है हमारे पास, लेट्स सी देखते हैं कैसा है लंच बुफे, आप लोगों को भी दिखाते हैं। हम लोग भी ला रहे थे तौलिया, और ये ग्राहक लेट जाते हैं।
दोस्तों दोपहर के करीब 1 बजने वाले हैं और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे फाइनली आई होप माया बे के लिए। जहाँ तक खाने की बात करें दोस्तों, खाना ठीक ठाक था, मेन्यू में जो है काफ़ी सारे आइटम्स थे, बट यहाँ पे आपको जो है थाई क्विजीन के खाने मिलेंगे। इंडियंस को हो सकता है खाना पसंद ना आए, बट देन अगर आप पा रहे हैं थाईलैंड तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप ट्राई करना चाहेंगे थाई क्विजीन की, एंड आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे वेजिटेरियंस के लिए भी अलग से ऑप्शंस हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आप बुक कर सकते हैं। आपको पहले बताना होगा कि आप जो है लंच करेंगे वो वेजिटेरियन करेंगे। Tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. पैसा पैसा करती है तू। तो दोस्तों लंच करने के बाद जो है वहाँ पे हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे ये फिलंग बे है इस जगह का नाम, काफ़ी बहुत ही बढ़िया जगह, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ रॉक्स है और बीच में ये जो ग्रीन वाटर देख रहे हैं आप, कितना खूबसूरत लग रहा है ये जगह। यहाँ पे जो है तैर के जो है मज़ा आ जाएगा, यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे कायाकिंग भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग चार्जेस पे करने पड़ेंगे, प्लस आप चाहे तो यहाँ पे लॉन्ग टेल बोट से मतलब थोड़ा सा घुमाते हैं, 30-40 मिनट का जो होता है एक सेशन होता है, उसमें आपका फोटो सेशन वगैरह फोटोग्राफ वगैरह जो है आप खिंचवा सकते हैं लॉन्ग टेल बोट पर, या फिर आप चाहे तो पानी में उतर के हमारी तरफ स्विम कर सकते हैं। तैरना तो आता नहीं है, पर देख सकते हैं कि लाइफ जैकेट जो है यहाँ पे लगा हुआ है, उससे जो है कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। दोस्तों दोपहर के करीब 3 बज चुके हैं और आगे हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, इस जगह का नाम है खाई आइलैंड। ये आइलैंड भी बहुत ही खूबसूरत है, पानी यहाँ पे भी आपको एकदम ग्रीन वाटर दिखेगा, क्रिस्टल क्लियर है। इससे पहले हम लोग माया बे जा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे माया बे पे बहुत ज़्यादा वेव्स जो थे बहुत ज़्यादा थे, उसकी वजह से हमारी बोट जो है वहाँ पर डॉक नहीं हो पाती, इसलिए हम लोग माया बे नहीं जा पाए। बट जनरली इस ट्रिप में, ये फीफी आइलैंड वाले टूर में माया बे इंक्लूडेड होता है, तो अगर आप भी बुकिंग करते हैं इस टूर के लिए तो आई एम श्योर अगर ये सारी प्रॉब्लम ना हो, जो कि ये रेयर है, पहली बार हुआ है, तीसरी बार मैं आ रहा हूँ इस ट्रिप पे, दो बार बाकी, पहले दो बार हम लोग माया बे गए थे और आई कैन टेल यू बहुत ही खूबसूरत जगह है माया बे। और फिलहाल अब किस्मत ख़राब थी, हम लोग जा नहीं पाए। अभी यहाँ पे खाई आइलैंड भी, ये भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे शैक्स मिल जाएंगे, वाटर एक्टिविटीज़ की भी कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे जेट स्की वगैरह आप कर सकते हैं, चाहे तो जेट स्की के चार्जेस है 1500 भाट, यहाँ पे आप चाहे तो रेंट पे अपने लिए बीच चेयर ले सकते हैं रिलैक्स करने के लिए, उसके लिए आपको 350 भाट पे करने पड़ेंगे। बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली है नॉर्मल थाईलैंड पाटोंग वाले एरिया से, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा है।
अब यहाँ पे जो है हमारी बोट रुकेगी करीब 1.5 घंटे के आसपास। थोड़ा सा हम लोग बीच पे रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी में भी जाएंगे, थोड़ा सा नहाएंगे और उसके बाद जो है हम लोग अपने वापस होटल की तरफ। तो शाम के करीब 6:30 बज चुके हैं और फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने होटल में। तो ऑल इन ऑल मैं दोस्तों बोलना चाहूँगा कि ट्रिप जो है बहुत ही अमेजिंग था। मेरे साथ कुछ लोग गए थे जिन्होंने पहली बार ये ट्रिप किया था, उन लोगों को भी बहुत मज़ा आया। अगर आप भी फुकत आते हैं तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि फिफी आइलैंड वाला ट्रिप जरूर कीजिए, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। नाउ जहां तक पैसे की बात है, कितना हमने पे किया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने 1500 भाट पर पर्सन पे किया। और एक चीज़ बताना चाहूंगा कि जब भी आप बुकिंग करें तो नेगोशिएट जरूर करें। नेगोशिएट करेंगे तो आपको बहुत अच्छी डील मिल जाएगी, बिकॉज जनरली आप कहीं भी जाएंगे बुकिंग करने के लिए तो वो 1700-1800 भाट के आसपास मांगते हैं। बट आप नेगोशिएट करेंगे तो जैसा कि हमें भी 1700-1800 भाट के आसपास मांग रहा था बंदा, लेकिन थोड़ा बहुत नेगोशिएट किया तो 1500 भाट में मांग लिया। इनफैक्ट एक और बंदा हमें मिला था, हमारे साथ आया था, वो लखनऊ से आया था, उसने 1400 भाट ही पे किए थे। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि जितना ज़्यादा नेगोशिएट हो सके उतना कीजिए, बिकॉज हो सकता है कि आप अच्छा डील क्रैक कर लें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी थाईलैंड की एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।